नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तेज प्रसाद, टेक्निकल रजिस्टरों में आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो 4G हो चुका है पुराना, 5G का है जवाना, 2021 में 5G आने वाला है भारतीय मार्केट में। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब जितने भी स्मार्टफोन मेकर ब्रांड हैं वो सब 5G स्मार्टफोन को लॉन्च कर रहे हैं और कम प्राइस के साथ लॉन्च कर रहे हैं। इसी क्रम में अब ओप्पो पीछे नहीं रहने वाला है और ओप्पो ने भी आज अपने ए सीरीज के अंतर्गत एक न्यू लेटेस्ट मिड रेंज और सस्ता 5G स्मार्टफोन्स को कर दिया है लॉन्च। और इसका नाम कंपनी ने ओप्पो A55 5G रखा है। यह स्मार्टफोन एक मिड रेंज स्मार्टफोन है और इसके अंदर आप लोगों को 5G नेटवर्क के साथ साथ बेहतरीन गेमिंग प्रोसेसर कंपनी उपलब्ध करवा रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी ओप्पो के अपकमिंग स्मार्टफोन ओप्पो A55 5G के फीचर्स के बारे में बात करने वाले, इसके अलावा इसके भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में चर्चा करने वाले। यह स्मार्टफोन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और यह ब्लैक और ब्लू कलर के साथ परचेज करने के लिए उपलब्ध भी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में और बात कर लेते हैं भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में। तो दोस्तों आगे बढ़े, सबसे पहले अगर हम बात करें इस ओप्पो के अपकमिंग स्मार्टफोन ओप्पो A55 5G के सबसे पहले डिजाइन के बारे में, तो इसके बैक पैनल से हम करते हैं शुरुआत। तो यहां पर आप लोगों को पॉलीकार्बोनेट 3D कलर फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, जिसके साथ कुछ लाइट इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इसके बैक साइड पर आप लोगों को ट्रिपल कैमरे का सेटअप, LED फ्लैश की सुविधा और इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर कंपनी उपलब्ध करवा रही है। अगर बात करते हैं इसके फ्रंट साइड डिजाइन के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को डॉट नॉट डिजाइन के साथ सिंगल कैमरा उपलब्ध करवा रही है और इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले और बॉडी का जो रेशियो है 86% का है। स्मार्टफोन देखने में ठीक ठाक मुझे लगता है, आप लोग कैसा लगा कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को 6.5 इंच की HD प्लस डिस्प्ले दे रही है, जो यह एक IPS LCD डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल का है। 20:9 रेशियो की इसमें आप लोगों को डिस्प्ले मिल रही है, जिसका ब्राइटनेस नेट 480 निट का है। इसके साथ इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले की जो PPI है वो 270 की है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर आप लोगों को 2.5D कवर्ड ग्लास की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहां पर कंपनी आप लोगों को एक मिड रेंज 5G स्मार्टफोन होने के नाते ओनली HD प्लस डिस्प्ले उपलब्ध करवा रही है, यहां पर कंपनी FHD प्लस डिस्प्ले नहीं दे रही है। इसके अलावा अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहां पर कंपनी आप लोगों को MediaTek के Dimensity सीरीज का 700SoC प्रोसेसर उपलब्ध करवा रही है, जो है एक AI प्रोसेसर है जिसमें आप लोगों को 5G कनेक्टिविटी का फीचर देखने को मिल जाता है। यह एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिसकी मैक्सिमम स्पीड लॉक्ड 2.2 GHz पर, जिसके साथ आप लोगों को GPU मिल जाता है मालिका G57। 7 नैनोमीटर पर बिल्ट किया गया है प्रोसेसर है, जिसमें 5G के साथ साथ गेमिंग का भरपूर आनंद आप लोग ले पाएंगे। और दोस्तों यह एक MediaTek के Dimensity सीरीज का एंट्री लेवल प्रोसेसर है और यह 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है, उस हिसाब से अच्छा वर्क कर जाएगा इस स्मार्टफोन के अंदर। इसके साथ दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर कंपनी आप लोग को एंड्रॉइड 11 दे रही है, जो बेस्ड है कलर OS 11 पर, जिसमें यह स्मार्टफोन रन करने वाला है। इसके अलावा भी जो जानकारियां सामने आई उस आधार पर यह स्मार्टफोन एक ही स्टोरेज वेरिएंट के साथ लॉन्च हुआ है, जहां पर आप लोगों को 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, जिसकी स्टोरेज को SD कार्ड के जरिए स्टैंड भी कर पाएंगे। इसके रैम पर आप लोगों को LPDDR4X की टेक्नोलॉजी और इसके स्टोरेज पर आप लोगों को UFS 2.2 की टेक्नोलॉजी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा यह स्मार्टफोन अन्य स्टोरेज रैम वेरिएंट के साथ भारतीय मार्केट में देखने को मिल सकता है। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसके रियर साइड पर कंपनी आप लोगों को ट्रिपल कैमरे का सेटअप उपलब्ध करवा रही है। जो पहला और मेन सेंसर है वो 13 MP का है, जिसके साथ आप लोगों को 2 MP का डेप्थ सेंसर और 2 MP का माइक्रो सेंसर कंपनी दे रही है LED फ्लैश के साथ। इसके फ्रंट साइड पर कंपनी आप लोगों को सिंगल 8 MP का सेल्फी और कॉलिंग के लिए कैमरा कंपनी उपलब्ध करवा रही है। इन कैमरों पर आप लोगों को AI, HDR, पैनोरमा, स्लो मोशन, ब्यूटी जैसे ढेर सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और मेरे हिसाब से इसका जो कैमरा सेटअप है वो काफी कमजोर है, पर एक सस्ते 5G स्मार्टफोन के तौर पर ठीक ठाक वर्क करने वाला है। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को 5000mAh की एक बड़ी सी बैटरी दे रही है, जिसमें आप लोगों को 10W नॉर्मल फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और चार्जिंग के लिए कंपनी इसमें आप लोगों को माइक्रो USB टाइप सी दे रही है। मेरे हिसाब से काफी लंबा और अच्छा बैटरी बैकअप इसके अंदर आप लोगों को मिलने वाला है। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के अंदर फीचर्स के बारे में, तो इसके अंदर आप लोगों को 5G, 4G, Wi-Fi, GPS, FM रेडियो, 3.5 mm ऑडियो जैक और ब्लूटूथ 5.1 इसके अंदर मिल रहा है। इसके साथ इसमें आप लोगों को एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर जैसे और फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर फाइनली बात करते हैं इस ओप्पो A55 5G के भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, तो यहां पर मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि आज कंपनी ने इसको ग्लोबली मार्केट में किया है लॉन्च। अगर उस करेंसी को भारतीय करेंसी से करते हैं कन्वर्ट, तो इसकी कीमत लगभग 15,000 से 16,000 रुपए के आसपास रहने वाली है। दोस्तों मेरे हिसाब से इस प्राइस सेगमेंट के साथ अगर कंपनी इसको भारतीय मार्केट में करती है लॉन्च, इसकी कीमत थोड़ा ज्यादा रहने वाली है। अगर इसकी कीमत 10 से 12,000 रुपए के आसपास रहती है, तो वाकई में काफी अच्छा मार्केट ये भारतीय मार्केट में कर सकता है। दोस्तों आप लोगों के मन में क्या है विचार इस ओप्पो A55 5G के फीचर्स या इसके भारतीय मार्केट में कीमत को लेकर, जो भी हो दिल विचार कृपया नीचे कमेंट
कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और दोस्तों यह स्मार्टफोन जून के महीने तक भारतीय मार्केट में लॉन्च हो सकता है, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो कंटिन्यू लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।